नल जल योजना में खोदी गई सड़कों की लीपापोती करने में लगा है ठेकेदार, नतीजा धसक रही है सड़की। कराहल मुख्यालय प्रशासन के जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना भविष्य में आमजन को फायदा देगी ये अभी कहना मुश्किल है, मगर वर्तमान में ठेकेदार द्वारा नगर की सड़कों की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। शुरू में पाइप बिछाने के लिए जरूरत से ज्यादा खोदी गई सड़कों में लापरवाही बरती गई है और अब उनके मेंटेनेंस में हल्की क्वालिटी के डस्ट और गिट्टी लीपापोती की जा रही है। एक दिन पहले डाली गई सड़क कई जगह से धसकने लगी है, कई जगह घरों तक पहुंचने वाली लाइन को अधूरा छोड़ दिया गया है। इस घटिया निर्माण के खिलाफ ग्रामीण कई बार विरोध भी जता चुके हैं, मगर ठेकेदार अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। इस मामले में कराहल पंचायत के प्रभारी सचिव का कहना है कि पंचायत में निर्माण कार्य के एस्टिमेट की जानकारी पीएचई विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है, मगर हम इस योजना को तब हैंडओवर लेंगे जब हम काम की पूरी जांच कर लेंगे। यदि कहीं कोई कमी रही या किसी भी घर में पानी नहीं पहुंचता है तो ठेकेदार से दोबारा कार्य करवाया जाएगा। वहीं कराहल एसडीएम भी इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, यदि घटिया निर्माण है तो पुनः काम करवाएंगे। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अरे ये सीसी की है इन लोगों ने, जो सीसी खोद के तो जो सही क्वालिटी की नहीं है और ना ही जो सही है, ये भरा नहीं है, जो बैठा अभी से बैठ गया। अच्छा ये बैठ गया, कब डाली गई थी ये सीसी? ये कल डाली है, आज ही बैठ गई जी। हाँ आज ही बैठ गई। और यहाँ के कनेक्शन के लिए आगे तक भी नहीं बिछाया गया जी? देखिए ना नाल, मतलब घर तक कनेक्शन के लिए भी नहीं मसाला भरा गया उसमें? नहीं भरा है, और वो दो दो कनेक्शन वो है वो खोजे ही नहीं है, वो वैसे वैसे ही पड़े मिट्टी में। तो क्या लगता है ये मिलजुल के क्या योजना पे पलीता लगाने में लगाया गया ठेकेदार? कोई योजना काय की है, ये तो घरेलू काम हो रहा है, सरकार का तो लगता ही नहीं है काम, ये तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो ये जो मेंटेनेंस हो रहा है ये तो चल ही नहीं पाएगा, जो कुछ दिन में ही उखड़ जाएगा ये तो सरकार का जो लाखों करोड़ों का पैसा वो तो बर्बाद होने वाला है, बेकार जाएगा, कोई मतलब में नहीं आएगा। जो सीसी खोद दी जो पहले कितनी मजबूत थी, आज उससे आधी भी नहीं है, कोई देखने वाला भी नहीं, इनकी शिकायतों के बाद भी कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला, तो मैं दिखा सो करो क्या करोगे। उमा शंकर अग्रवाल, ये जो नल जल का काम चल रहा है कराल में कैसा चल रहा है? नल जल का काम क्या, शासन की योजना है कि गरीब आदमी को आम आदमी को इसका लाभ मिले, लेकिन नहीं, ये तो कष्टमय योजना हो गई। कैसे क्या हो गया मतलब इसमें? खुदा खुदाई खुदी डली है सब जगह, इन्होंने पूरा काम किया ही नहीं, कहीं अधूरा छोड़ दिया, कहीं RCC डाल दी, कहीं डाली ही नहीं है, गड्ढे हो रहे हैं जगह जगह। तो क्या बांध फंस जाते हैं उसमें? फंस जाते हैं ना बांध में, तो विकलांग आदमी में तो कई बार गिर पड़ा उसमें। सरस्वती शिशु मंदिर के पास में इन्होंने काम किए नहीं, वहाँ नाली भी खोद के भटक रही, मेरे दरवाजे के आगे नाली डली उसी गली में। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 4। तो क्या वहाँ पे मतलब सीसी खोदने के बाद मेंटेनेंस नहीं किया गया? नहीं किया इन्होंने, और ये जहाँ मेंटेनेंस हुआ वहाँ भी सड़कें मतलब धस रही है। वो तो न पंचायत वाले देखते हैं ना कोई देखता है इसको, मिली जुली भगत तो है ही, गवर्नमेंट का पैसे बैठते जा रहे हैं पानी की तरह, पंचायत भी ध्यान नहीं दे रही है, पंचायत का कोई देखने नहीं जाता कि ये क्या कर रहे हैं। आखिरकार अंत में तो पंचायत ही इसका संचालन करेगी, पंचायत संचालन करेगी, जनता परेशान होगी इस चीज से, पंचायत का दोबारा सीसी थोड़ी डलवा गई। वहाँ की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों तक भी पहुंचाएंगे क्या आप? अब कहाँ जाएं, कह रहे कोई सुने ही नहीं, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुने आजकल। तो क्या इन ठेकेदारों के क्या इतने जड़े मजबूत हैं जो इन प्रकार? और क्या जड़े मजबूत है, जब तो इनकी मनमानी कर रहे हैं, डस्ट में तो गिट्टी सीमेंट मिला रहे हैं, मोरम में मिलना चाहिए। अच्छा डस्ट का उपयोग कर रहे हैं? डस्ट का उपयोग कर रहे हैं, 2000 की टोली आता है डस्ट की, रेत की 6000 की आता है। तो क्या शासन की योजना पे पलीता लगा दिया गया और क्या? नल आते हैं क्या आपके घर में? आते हैं, एक नल आते हैं, प्रेशर भी नहीं आता? नहीं, प्रेशर मेरे सर का कोई काम ही नहीं है। आपके मोहल्ले में किसी के प्रेशर से आता है? किसी के नहीं आता, सबके ऐसे ही आती है, नेक नेक नेक। तो मतलब नल का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता? कोई मायने नहीं है, ये करोड़ों रुपए का जो गवर्नमेंट का योजना है वो सब व्यर्थ नहीं ही आएगा। ये पानी कहाँ से ले रहे हैं फिर आप? पानी हम ले जम डाल लागी हमने 400 महीने में। अच्छा आप पैसे आज भी देने पड़ रहे हैं और क्या?